हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दयाम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा करतार प्रैक्टिस सेट का जो मैंने 30 प्रैक्टिस सेट करने का वादा किया है, तो ये मैं 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आप लोग वो सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग वो सभी वीडियो को देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उससे भी जाकर वो चारों वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं अपना प्रैक्टिस सेट 5 कराऊंगा, तो जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो मेरा आज का 6 नंबर का क्वेश्चन है रेज। रेज का आपको सिनोनिम पूछ रहा है, यानी रेज का आपको सिमिलर वर्ड पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेज का आखिर हिंदी क्या होता है। तो रेज का हिंदी होता है तोड़ना या फाड़ना, तोड़ना या फाड़ना। तो इसका सिमिलर वर्ड हमको फाइंड करना है। ओके, इसका सिमिलर वर्ड हमको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है। तो इसका सिमिलर वर्ड होता है डिमोलिश। डिमोलिश मिस भी यही होता है, तोड़ना या फाड़ना या बर्बाद कर देना। और बात करें ये तीनों ऑप्शंस का, तो ये तीनों ऑप्शंस का हम हिंदी देख लेते हैं। रिस्टोर मिस होता है सुधारना या लौटाना। रेस्क्यू मिस होता है बचाना। और कंस्ट्रक्ट मिस होता है बनाना या निर्माण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एंटोनियम ऑफ रैपिड, यानी रैपिड का अपोजिट वर्ड हमको बताना है। तो सबसे पहले हम रैपिड का हिंदी जानेंगे। तो आखिर रैपिड का हिंदी क्या होता है। तो रैपिड का हिंदी होता है तीव्र या तेज। रैपिड का हिंदी होता है तीव्र या तेज। तो इसका हमको अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा लिस्टलेस। लिस्टलेस, लिस्टलेस का हिंदी क्या होता है उदासीन, यानी कमजोर। और रैपिड का हिंदी क्या होता है तीव्र या तेज, और लिस्टलेस का उदासीन, इच्छा रहित, जो अपनी इच्छा को अपने मन में ही रखता है, किसी के सामने प्रकट नहीं करता, बोलने में हिचकिचाता है, उसे क्या कहते हैं लिस्टलेस कहते हैं। अगर बात करें ये तीनों ऑप्शंस का हिंदी का, तो स्पीडी मिस भी होता है तेज, और ओवरकास्ट मिस होता है बादल से घिरा हुआ या अंधेरा युक्त, और ब्रिलियंट का तो आप लोग जानते ही होंगे कि ब्रिलियंट मिस तेज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है चेंज द फॉलोविंग इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए ये बेड को हम जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इतना हम लोग श्योर रहते हैं कि भीतरी आएगा, भीतरी आएगा, चाहे वह कोई भी टेंस का पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो, तो भीतरी आएगा ही आएगा। तो ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, और सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य हम जब पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं, तो कुछ इस तरह से चेंज करते हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ओके, कुछ इस तरह का फॉर्म में हम चेंज करते हैं, यानी वॉज वेयर प्लस V3 का हम यूज करते हैं। तो इसमें देखेंगे वॉज वेयर प्लस V3 का यूज किस में है। तो इसमें वॉज है, लेकिन इसके साथ V1 का यूज है, इसलिए ये इलिमिनेट हो गया, और ये V2 का, ये भी इलिमिनेट और ये भी इलिमिनेट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें वॉज भी है और इसमें V3 का भी यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन से, चेंज द नरेशन। ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, और इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सैड, इसमें जो सैड दिया हुआ है, ये जो सैड है, ये सैड को हम किस किस चीज़ में बदल सकते हैं, ये सैड को हम आस्क्ड, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आस्क्ड में बदल सकते हैं, या फिर
इंक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं हम ENQUIRED, इंक्वायर्ड, या फिर क्वेश्चन QUESTIONED। ये तीनों वर्ड में हम सैड या सैड टू को चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, और हम आगे बताते हैं। और जो ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा है, इसके जगह हम जब मेरा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव रहे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का, इफ या वेदर का यूज करेंगे। ओके, और मैंने पिछले वीडियो में एक चीज और बताया था कि अगर सेकेंड पर्सन यानी यू यू आया रहे तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहाँ पे आई या वी रहता, आई या वी इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तो आई भी ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज रहता होता है। अगर यहाँ थर्ड पर्सन रहता, जैसे ही रहता, सी रहता, इट रहता, दे रहता, या कोई नाम रहता, तो यह किसके अकॉर्डिंग चेंज होता, तो इसमें थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। आप लोग सारे रूल को नोट कर चुके होंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ही सेड टू, इसको देखिए यहाँ इसमें पहले टोल्ड दो और दो ऑप्शन में टोल्ड लगा हुआ, तो आप दो ऑप्शन को इस ऐसे ही इलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि टोल्ड वाला नहीं होगा। अब बात रह गया तीन और चार का, तो देखिए इसमें भी आस्क्ड है, इसमें भी आस्क्ड है, इसमें इफ लगा हुआ, इसमें वेदर लगा हुआ, यहाँ तक तो सही है क्योंकि इफ का भी यूज होगा और वेदर का भी यूज होगा। अब हमको देखना है कि यू जो यहाँ है यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो देखिए यहाँ यू का यू ही रख दिया है, लेकिन हमको चेंज करना, यू को चेंज करना है, तो मी जब मी सब्जेक्ट बनेगा तो मी सब्जेक्ट में क्या आएगा, मी का आई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इडियम्स फ्रेज का, ब्लू स्टॉकिंग। ब्लू स्टॉकिंग मीन्स क्या होता है, तो ब्लू स्टॉकिंग मिस होता है साहित्य में रुचि रखने वाली स्त्री, वैसी स्त्री जो साहित्य में रुचि रखती हो। तो देखिए ये वेरी हैप्पी है तो ये गलत हो गया, टू बी फ्यूजी ये भी गलत, मनी स्पेंट क्यूकली ये भी गलत, एजुकेटेड बट पेडेंटिक लेडी, ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें पेडेंटिक का, तो पेडेंटिक का हिंदी होता है पंडित पूर्ण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पोर्टेबल कैश फॉर होल्डिंग पेपर ड्राइंग्स, ए पोर्टेबल कैश फॉर होल्डिंग पेपर ड्राइंग्स, इसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैराजम्बल सेंटेंस सॉल्व करना है, पैराजम्बल सेंटेंस। तो मैंने अपने पिछले वीडियो यानी पार्ट 4 में बताया था कि जब आपको पैराजम्बल सेंटेंस को सोल्व करने के लिए बोला जाए तो आप इसको बाई ऑप्शंस की मदद से ज़्यादा बेहतरीन रूप से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हम सब्जेक्ट किसको बना सकते हैं, तो हमको लग रहा है मेरे ख्याल से हम सब्जेक्ट क्यू को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए वी वर आस्क्ड है, तो वी हम सब्जेक्ट बनाने में हमको उचित लग रहा है, हमको सही लग रहा है, तो हम सब्जेक्ट बना लेते हैं क्यू को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी सबसे पहले हम क्यू का यूज करेंगे। तो वी वर आस्क्ड, अब आस्क्ड के बाद हम किसका यूज करें जो बेटर रहे, तो आस्क्ड के बाद हम अगर एस का यूज करें, वी वेयर आस्क्ड, आस्क्ड के साथ टू हम लगा सकते हैं, टू एक्सप्रेस आवर पर्सनल, तो एस का भी हम यूज कर लिए। अब हम देखिए क्यू और एस किस में मिल रहा है, तो क्यू और एस ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, और बाकी किसी में मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम पी का यूज करेंगे तो पर्सनल व्यूज कितना सुटेबल बैठ रहा है, कितना सुटेबल बैठ रहा है, पर्सनल व्यूज ऑन दिस सब्जेक्ट इन द डिबेट।
ओके okay, तो कितना सुटेबल QSPR, कितना सुटेबल सेंटेंस अरेंज किया। ओके okay, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और अगर आप लोग को समझने में परेशानी होते हैं होती है तो वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एरर है, और हम हमेशा कहते आए हैं कि एरर से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ने भी एयरफोर्स SSR या XY ग्रुप जो भी हो, इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर एरर का वीडियो आपको और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं। ऐसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बाई द एम स्टडी पॉइंट, तो मेरा वीडियो आपको शो करेगा, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और उसमें एरर से संबंधित बहुत सारे रूल्स हम करा चुके हैं, तो आपको अगर आपके सामने अगर एरर का क्वेश्चन आएगा तो आप उस रूल्स के मदद से आप लोग एरर के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए इस फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसमें देखिए, माई सिस्टर हैड होप्ड डैट वुड स्पेंड हिम मनी। तो देखिए इसमें सिस्टर है आया है, इसमें सिस्टर आया है यानी फीमेल आया है, यानी फीमेल आया है, तो फीमेल आया है, और यहाँ देखिए हिम आ गया है, हिम आया है, तो ये किसको, ये हिम का मतलब हो जाता है मेल, हिम का मतलब होता है मेल। तो देखिए यहाँ फीमेल आया है, तो इसके रिगार्डिंग हिम का यूज ना होकर किसका यूज होना चाहिए, हर का यूज होना चाहिए, हर का यूज होना चाहिए, यही बेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका एरर था। आप एरर को छाटने के लिए मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 5 से 6 वीडियो हम बनाकर डाल चुके हैं, और उसमें काफ़ी रूल्स करा चुके हैं, तो आप लोग वे सभी वीडियो को आप लोग जाकर देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग को एरर वाले क्वेश्चन में कोई कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको इस तरह का, इसमें 4 वर्ड दिया हुआ है, और इसमें आपको 4 वर्ड में से फाइंड करना है ये 4 वर्ड में से जो गलत का वर्ड है वो गलत वर्ड कौन है। तो इसमें जो गलत वर्ड दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 गलत वर्ड दिया हुआ है। अगर आप लोग बात करेंगे इसका सही वर्ड क्या है, तो इसमें जो देखिए ई दिया हुआ है, इसमें ई के जगह डबल ई होगा, तो ये सही हो जाएगा, यानी DOMINERING ये लिखा जाएगा, तो ये वर्ड सही हो जाएगा, तो ये डोमिरिंग। अगर बात करें डोमिरिंग का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। और अगर बात करें कि तीनों ऑप्शंस का हिंदी क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि तीनों ऑप्शंस का हिंदी क्या होता है। तो ऑपरेसिव का हिंदी होता है अत्याचारी, और इंटीमीडिएटिंग का हिंदी होता है डराना या धमकाना, और वैनक्विश का हिंदी क्या होता है, तो वैनक्विश का हिंदी होता है जीतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स से, तो इसमें कह रहा है आई एक्सेप्ट फिल इन द ब्लैंक विद इन ए वीक। तो इसके फिल इन द ब्लैंक की जगह पे क्या होगा, हिज अराइवल होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई क्रैश्ड फिल इन द ब्लैंक्स इन द कार। आई क्रैश्ड फिल इन द ब्लैंक्स द कार। तो इसके जगह इन का प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा, थ्रो का प्रयोग होगा, या अक्रॉस का प्रयोग होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, आप लोग याद कीजिए, प्रैक्टिस सेट 4 में मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति या वस्तु गति की अवस्था से अंदर जाए या गति की अवस्था से क्रॉस करे, तो उसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, ये एक तरह का रूल है। तो इस यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या होगा, इनटू का प्रयोग होगा, क्योंकि कार जब मेरे पास से गुजरेगी तो वह तो गति के साथ ही गुजरेगी, तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु गति के साथ गुजरे या अंदर किसी रूम के भीतर जाए या आपके नज़दीक से होकर गुजरे, तो उसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई हैंड्स वर ब्लू फिल इन द ब्लैंक कोल्ड वेन आई गोट होम। तो इसके साथ किसका यूज होगा, इसके साथ विद का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आई मस्ट
अपोलो अपोलोजाइज फिल इन द ब्लैंक डिस्टर्बिंग यू। पहले आप लोग अपोलोजाइज का मीनिंग समझिए। अपोलोजाइज का मीनिंग होता है माफी मांगना, माफी मांगना, माफी मांगना। तो कोई बंदा जैसे मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्यों माफी मांगता हूं, क्योंकि आपके आपको काम करने के लिए मैं डिस्टर्ब किया। तो इसके साथ के यहाँ के लिए आया तो इसलिए इसके साथ फोर का प्रयोग होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रेस्ट ऑफ बुक, द रेस्ट ऑफ बुक फिल इन द ब्लैंक इज फिनिश्ड। तो ये रेस्ट ऑफ बुक एक idioms phrase है और इसके साथ इज का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ही इज फिल इन द ब्लैंक द होल प्रोसेस। तो देखिए होल मिस होता है पूरा का पूरा, होल मिस होता है पूरा का पूरा, और एक्विटेड मिस होता है बरी करना यानी मुक्त करना। तो अगर हम ऑप्शन नंबर फोर को यूज करें तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि जब हम ऑप्शन नंबर फोर का यूज करेंगे तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से निकलेगा, वह अपने आप को पूरा का पूरा इस प्रोसेस से मुक्त किया। हिमसेल्फ मिस अपने आप को, विथ मिस के साथ, वह अपने आप को इस प्रोसेस के साथ पूरा का पूरा मुक्त किया। ओके अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपको हमें कुछ सजेशन बताना हो या कुछ हमसे पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेशन करता है। और आप अगर आप अपने इस वीडियो को पूरा देख ही लिया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से उनको भी मदद मिल सके, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि सभी को बुक नहीं मिल पाता है सही समय पे, और सही समय पे बहुत लोगों का तैयारी रुका रहता है। तो इस वजह से आप लोग अगर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में, अपने फेसबुक में, आप जो भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं उसमें मेरा वीडियो शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों की मदद होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।